अधिकारियों और मंत्रियों के निरीक्षण को लेकर अधिकारी बिल्कुल नहीं दिख रहे गंभीर। इसकी वानगी नजर आई रायबरेली में, जहां लगभग दो महीने पहले डिप्टी सीएम के निरीक्षण में मिली खामी पर उन्होंने अधिकारियों से जांच पूरी करने की बात कही थी। दरअसल बीते 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने रायबरेली जनपद पहुंचे थे। यहां पर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए बन रहे आवासों के निरीक्षण में उन्होंने काफ़ी खामियां नजर आई थी। मौके पर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। चलते चलते उन्होंने जांच के निर्देश भी दिए थे। अब जबकि इस मामले में दो महीने का समय पूरा होने वाला है, तब भी इसकी जांच पूरी नहीं हो सकी। समझना मुश्किल नहीं कि अधिकारियों और मंत्रियों के दौरों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारी गंभीर क्यों नहीं है। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है एक्सचेंज सिंचाई विभाग हेमंत वर्मा का। सर, आपके द्वारा जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा जो यहाँ निरीक्षण किया गया था पुलिस लाइन के बिल्डिंग का, उसकी आपके द्वारा जांच की जा रही, तो जांच कहाँ तक पहुँची? अभी तक प्रशासन जो है कई रिमाइंडर भेज चुका है और अभी रिपोर्ट नहीं पहुँच पा रही, तो क्या है मामला, पूरा मामला? माननीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा जहाँ जाँच की गई थी, ये उसके बगल की बिल्डिंग है, इसकी जाँच जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी गई थी। इसकी जांच कर ली गई है, एसडीएम सदर में जो समय एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा जांच की गई थी। साथ में वहाँ पर ब्रिक के सैंपल लेके आईआईटी लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज में सैंपल भेजे गए थे। केवल उसकी जांच की क्या रिपोर्ट आती है इसी का इंतजार है, संभवतः एक दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी रिपोर्ट आख्या भेज दी जाएगी। सर, आपके द्वारा मौके पर जो फौरी जांच की गई थी उसमें क्या निकल कर आया? क्या दीवार बेंड थी या इस टाइप के काफ़ी? नहीं, एक जगह पर रोड नंबर 2 और 3 के बीच में अलाइनमेंट ठीक नहीं दिखाई दे रहा था। उसका पुनः जो है कि कल उनके जो प्रतिनिधि थे यूपीपीसीएल के, उन्होंने व्हाट्सएप फोटो भेजा था, क्योंकि वो बता रहे थे कि शटरिंग जब लगी थी उसके फैलाव से होता, वो उन्होंने शटरिंग की वजह से काट के साइड्स की जो फैलाव था वो सही करा दिया है। बाकी कार्य गुणवत्ता पूरा सही दिखाई दे रहे थे, ईंटों में कुछ कमी दिख रही थी तो ईंटों का सैंपल भेजा गया था। सर, जो मजिस्ट्रेट जो जांच कर रहे थे उनका कहना था कि जो सामान लगाया गया है इलेक्ट्रिक का और जो पाइप डाली गई है वो जो टेंडर की शर्तें उसके विपरीत में था, ऐसा कुछ निकल के आया? ऐसा नहीं आया, क्योंकि हमने जो प्रथम जाँच की, जो सैंपल लिए वो हमारे पास हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आपके नोटिस में क्या दिया गया था, तो रिपोर्ट में IS कोड ही लिखा हुआ था।